बीजेपी की पहचान झूठ और लूट से बनी है अखिलेश यादव। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अलीगढ़ के नुमाइश मैदान के मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि अलीगढ़ वाले इस बार न केवल रिकॉर्ड तोड़ेंगे बल्कि नया रिकॉर्ड तैयार करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो गारंटी दे रहे हैं इनकी गारंटी नहीं घंटी है और उसे बजाते रहो। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी वालों ने जुमला दिया था और अब गारंटी आई है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि अलीगढ़ वाले ऐसा ताला बनाओ कि भाजपा के मंसूबे पर ऐसा ताला लगे कि हमेशा के लिए नफरत उस ताले में बंद हो जाए। अग्निवीर भर्ती को लेकर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि जैसे अग्निवीर की नौकरी 4 साल की कर दी है वैसे ही ये पुलिस की नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। अखिलेश यादव ने मंच से तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 100 नंबर को भी 112 कर दिया तो उसके बाद पुलिस का रेट भी बढ़ गया है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की पहचान झूठ और लूट से बनी हुई है। अब जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी के गोदाम में पहुंच गए हैं। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की एक तिहाई जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है एक जीवन की, तो एक तिहाई जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही है। 400 कार्ड, ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो हार चुके नहीं, हार चुके हैं, हार नहीं रहे, हार चुके हैं, चुके हैं। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर दो मकान है उससे मकान मैं नहीं नहीं नहीं, ये किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास। क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हो जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता, कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं। अरे अब ईडी सीएमए इनकम टैक्स का जवाब जनता बोर्ड से दे रही है। उन्हें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं? अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। संजय निषाद पर हमले में आरोप लगा रही है बीजेपी, उसका क्या कहते हैं? किसपे? संजय निषाद पर। देखिए, चुनाव जो हारता है वो कुछ भी करता है, मरता क्या ना करता। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।